हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के एक खबर पता चली, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे छोटी सी वीडियो के जरिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज की बात अगर ना करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो हमें लगभग 3.40% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई दी 7.10 के ऊपर। कल 7.40 के ऊपर ओपन होने के बाद 7.50 का हाई और 7.00 का लो बना डाला था, जो कि इसका लोअर सर्किट लगा था। 4,78,80,156 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप 6,320 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसके अंदर डिलीवरी का स्टेटस अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी का क्या स्टेटस है, आइए देख लेते हैं ज़रा। हाँ, डिलीवरी के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त राइज देखने को मिला है। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन में आप देखें, 5 अक्टूबर 2021 को 66.9% की डिलीवरी उठाई गई। उसके बाद ये 60.7% की डिलीवरी 13th अक्टूबर की, आज 14th अक्टूबर की अभी डेटा नहीं पता है हम लोग, आप BSEIndia.com की साइट पर भी जाके देख सकते हैं, NSEIndia.com की साइट पर देख सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा किसी वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये बात थोड़ी सी पुरानी है लेकिन ये मुझे पता चली तो मैंने आप लोगों के साथ लगा कि डिस्कस करते हैं। देखिए, 2015-2016 में गुजरात की सरकार ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को जो है 11 विंड मिल्स को इंस्टॉल करने के लिए इजाज़त दे दिया था। संगनारा एक विलेज है, एक गाँव है वहाँ पर, राइट। लेकिन सुजलॉन ने इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे काम करने पड़े, जैसे कि बहुत सारे जो हर्डल्स के रूप में जो ट्रीज थे, है ना, जो हिल्स पहाड़ी एरिया था, बेसिकली उसको फ्लैटन करना ताकि उस पर ट्रांसपोर्ट मशीनरी, ट्रांसपोर्ट जो है लेके जाया जा सके, मशीनरी और जितने भी एक्सेसरीज, फैंस होते हैं, ट्रांसमिशन केबल्स, ब्लेड्स, है ना, विंड मिल, इन सभी चीज़ों को वहाँ तक लॉजिस्टिकली ले जाया जा सके। तो ये सारा काम करते करते बहुत सारे फॉरेस्ट और पेड़ काटने पड़े। और इसको लेकर के उस गांव के आसपास के जितने लोग थे, उन लोगों को दिक्कत हुई कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। वो जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर ये आप क्लियरेंस कर रहे हैं, वो एरिया उनके उनके लेवलीहुड के लिए है, वो उसमें अपने गौचर है, वहाँ पे गाय चराते हैं अपना, है ना, उस पर वो मतलब एक तरीके से वो उनका एक बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये विलेजर्स का बोलना है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी को लेकर के आप ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक वहाँ की पंचायत है और ये इस तरीके से जो है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट ना होने देने के लिए ये एजिटेशन है, ये फार्मर्स नहीं बोलेंगे, जो विलेजर्स हैं उनके बीच में, है ना। तो दोस्तों, इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है खबर आई थी तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस खबर से आपको होपलेस नहीं होना है, नाराज़ ना होइए इस चीज़ को सुन करके, अपनी जो आशा है उसको लूज ना करिए, होप को लूज ना करिए। क्योंकि देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड देखिए ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, इसमें आपको लगे या ना लगे, मैं आपसे सीधा सीधा बोलूँगा, ये जो मान लीजिए रेजिस्टेंस लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस लाइन, एक मिनट, रेजिस्टेंस लाइन को मैं रेड से दिखाना चाहूँगा, राइट। ये रेजिस्टेंस लाइन है L1, R1, R2, R3, R4, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है इन रेजिस्टेंस लाइंस को क्रॉस करके ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन इन लेवल्स पे ना लोगों ने इतने ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा लगा रखा है कि ये इन लाइंस को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है। अब इस लाइन को क्रॉस करने में, रेड वाली लाइंस को क्रॉस करने में दिक्कत इसको तब ना होती जब बहुत सारे सिचुएशन इसके फेवर में होती, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अभी क्वार्टर टू की अर्निंग्स कैसी होंगे, इस चीज़ के ऊपर भी लोगों को काफ़ी चिंता है।
तो ये सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब तक रोकने वाला रोक पाएगा? रोक नहीं पाएगा, चढ़ना है तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और डबल डिजिट में लैंड भी कर सकता है दिवाली तक, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं वो भी बात एग्री करता हूँ, लेकिन लैंड भी कर सकता है क्योंकि इसका जो मुंह जो खुला है, जो इसका हेड है, चलने का जो चलने की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ लगी हुई है, लगातार ये ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है दीवार को, लेकिन गिर जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों मल्टीपल यूसी लगेगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। MUC मल्टीपल यूसी, मल्टीपल अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में, सब कुछ अगर सिचुएशन फेवर में हो जाती है। रही बात इस खबर की, तो इसको लेकर के आप पैनिक ना करिए, कोई ना कोई मैनेजमेंट जो है इसको ऑलरेडी, ये खबर पुरानी है, इसका कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, इसकी वजह से शायद हो सकता है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन कोई खास इसका असर नहीं पड़ा, और जो कुछ इसको लेकर के आगे अपडेट आएगी तो उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन लास्ट में यही बोलूँगा कि आप जो है पेशेंस रखिए, 7 से 7.50 के आसपास ये कंसोलिडेट करता है, तो मान के चलिए कि ये 8.50 इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा जिस पे ये नज़र रखेगा, और 8.50 के बाद 9.50 तक अगर स्मूथली चला जाता है तो फिर उसके बाद डबल डिजिट में आराम से आपको लैंड करा सकता है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कुछ और डिस्कस करेंगे, एंड टेक केयर।